अंगना में रंगे बरे सत है, रंगे बरे सत है, गुलाल उड़त है। आप देखिए कितना बस हुआ जा खे रहती लड़कियां, नौ दिन में सबके छू सीख जाती। जुमला कैसे के भाई ये ससुरा को रोटी कैसे के परसिए, क्या क्या करना सारी चीज सिखा दी जाती थी। मधु जी ने लिखा उस पर किताब लिखी उनने, हमने एक लाइन और सुनाई थी उते कि भाई चकिया पीस भी पे जब नेहो तो दे दी देवतन को बुंदेलखंड में, उसकी लाइन तो सुनो कैसी तो धुन है वो, क्या लाइन है उसकी। तुमरी नगरी में रचे हैं ब्याओ, चलो रे देवा अपनी नगरी। तुम्हारे शहर में शादी रची जा रही है, सारे देवता वहां चल के रहो, ये बुंदेलखंड की संस्कृति है। और कहीं भी आप देख लो, अब एक बार माननीय अवस्थी से हुई थी महामुक्ता काशी मंच पे बात कि आप कजरी का जिक्र किया आपने, हमारी कजरी देखो आप जो गांव में गाई जाती हुए कजरी नहीं कही जाती हुए राजो कहो जात, लेकिन उसे दीपचंदी राग दे दिया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ विद्वान लोग बैठे हैं कि उसको बांधो किस राग में बनता है, वो कितनी मात्राएं हैं उसमें, कैसा गाया जाता है, गैर पढ़ी लिखी माँ बहने गाती हैं उसको, ताल है दीपचंदी। अब राग तो छह हैं और एक एक राग की छह छह पत्नियां हैं तो 36 राग नहीं है। आलखंड में आया है तीन मदनियों को धर फूंका, हाँ अब नहीं है वो, ये है कह रहे वो थी अब नहीं। हम उन्हीं की लाइन सुनाते हैं आपको। अब बरसात ना हो, जब हम पढ़त थे प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में और वो जब गांव आए सो 20-25 माँ बुआ आने पड़ोसी आने बैठी और जब उनने गाई सो बदल गया नेक सी और झड़ी लग गई पानी की। आप सुनिए उस लाइन को, बुंदेलखंड का राजरा, उसकी धुन सुनिए आप। राग मल्हार ये है धुन उसकी देहात की। काना से नहीं कारी बदरिया बदरिया रखाना बरस गए मेघो राजा बदरिया परसो पीरन के देसो बुंदेलखंड का सावन गांव का। और उसको देखो आप, हमारा सावन सचिन देव बर्मन ने